ऑल द एनसीईआरटी 2004 एस्पिरेंट, इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, योर टारगेट हैज टू बी ओनली विजीटीआई, ओनली एसपीआईटी, ओनली एसपीपीयू या तो फिर विवेकानंद, या तो मैं सीईटी में टॉप करूंगा, ये आपका माइंडसेट, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए. बिकॉज 360 डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अभी फैब मंथ चल रहा है और आपका एग्जाम जो होगा वो मार्च 2024 में होगा. सो अपने पास 360 डेज का टाइम है. अगर आपने पूरे टाइमलाइन को अच्छे से प्लान किया तो प्रिपरेशन आपकी बहुत स्मूथ जाएगी सारे सेक्शन को लेकर के. अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप बेसिक पे पहले काम करना चालू करो, फिर प्रैक्टिस करना चालू करो, एंड फिर इवेल्युएट करना चालू करो आपके हर टॉपिक को बाय राइटिंग द टॉपिक टेस्ट. इंग्लिश में अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल वीक है, ग्रामर इज योर प्रॉब्लम, या तो फिर वोकैब पे काम नहीं किया है, तो डिसेंट लेवल का टाइम है. पूरा सिलेबस आप दो बार कर सकते हो और इंग्लिश पे भी डिसेंट लेवल पे काम कर सकते हो. इंग्लिश आप इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको एंट्रेंस निकालना है. एंट्रेंस निकालने के लिए प्रिपरेशन तो करनी है, प्लस व्हेन यू गो ऑन द जॉब, जब आप एमसीए कंप्लीट करके आप जाओगे जॉब पे, तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश काम आएगी. थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग. मेक श्योर सारे क्वेश्चन जो मैनुअल के बुक में है दो बार कर लेना, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा. कंप्यूटर को लेके ऑल द वीडियोस, ऑल द हैंड आउट्स एंड योर लेक्चर्स, दैट इज सफिशिएंट. सो जितने लोग अभी फाइव मंथ से चालू कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन, चाहे आपके सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या तो आपके थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, आपके पास डिसेंट लेवल का टाइम है. ऑप्टिमम यूज़ करो इस टाइम का, मतलब घाई घाई में पढ़ाई नहीं करनी है, अपने पास काफ़ी टाइम है. सिलेबस देखो पहले, सबसे पहले मैंने सिलेबस को लेकर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसके बाद ऑल अबाउट वाले वीडियोज़ देख लो, एलिजिबिलिटी को लेकर, मार्किंग सिस्टम को लेकर के, अगर पैटर्न को लेकर कुछ डाउट है पहले एग्जाम के बारे में, सो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज़. एग्जाम के बारे में डिटेल स्टडी कर लो, एक हफ्ता ले लो एग्जाम के बारे में डिटेल स्टडी कर लो, ठीक है. पूरे कट ऑफ वाले वीडियो देख लो, टॉपर्स के पॉडकास्ट वाले वीडियोज़ देख लो, समझ में आ जाएगा कि वॉट इज़ एमसीईआरटी इज़ अबाउट एंड आपको कैसे स्टार्ट करना है. यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. मुझे पता होगा कि अगर आपको पता होगा कि मेरा मैथ्स वीक है तो आप उस पर ज़्यादा काम करोगे. मुझे अगर पता होगा कि हाँ मेरी इंग्लिश वीक है, मेरा वोकैब वीक है, मेरा ग्रामर वीक है, मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ, तो मैं इंग्लिश पे उसी हिसाब से काम करूँगा. बट सब चीज़ के लिए आपको प्लानर लेना पड़ेगा. रैंडमली अगर आप पढ़ाई करोगे देन लाइक अगर आप रैंडमली वेगली पढ़ाई करोगे तो स्कोर नहीं बनेगा एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम अलग से होगा. तो अब भी आपके पास डिसेंट लेवल का टाइम है. सो जितने लोग अभी फैब मंथ से चालू कर रहे हो आपके पास डिसेंट टाइम है, आराम से आपकी स्मूथली प्रिपरेशन चालू करो. चाहे आप SY में हो, चाहे TY में हो, आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो और आपका CET 24 के लिए भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हो, ठीक है. एंड फॉर यू पीपल एट मैनुअल वी हैव लॉन्च द बैचेस ऑल्सो, ऑनलाइन एंड क्लासरूम बोथ. सो अगर आप मुंबई या थाने बेस्ड हो, सो बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने ब्रांच यू कैन विजिट फॉर द क्लासरूम कोचिंग. बट इफ यू आर नॉट मुंबई थाने बेस्ड देन यू कैन कॉन्टेक्ट आर ऑनलाइन टीम 8828581455. ऑनलाइन बैचेस ऑल्सो यू कैन ज्वाइन. वंस यू ज्वाइन द बैचेस डू टेक द एक्सेस ऑफ वीडियो लेक्चर्स, मॉक, आपका स्टडी मटेरियल, हैंड आउट्स, सबका एक्सेस ले लेना और प्रैक्टिस करना चालू कर दो. इंग्लिश तो डे वन से चालू कर दो, न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके बाद आपका आता है मैथ्स पे प्रैक्टिस. बेसिक मैथ्स चालू करो एंड ग्रेजुअली गो टू द एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है. तो दोस्तों आप वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, डोंट डिले योर एनसीईआरटी प्रिपरेशन. एक साल है, आराम से करूँगा, आराम से हो जाएगा, कब टाइम जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है. सो द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, स्टार्ट योर एनसीईआरटी प्रिपरेशन. बैचेस को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कशन में दिया हुआ है, डू चेक इट. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.